हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण में पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोगों ने सवेरे भी मैंने एक घंटा तक महाराज जी की हमने अलग अलग दृष्टिकोण से मैंने अलग अलग कथा सुनाया और थोड़ी सी अभी कथा सुन लेते। कहते सवेरे हम लोग ये श्रवण कर रहे थे, उन्होंने
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का बहुत शिष्यों का उन्होंने संग किया है। इसलिए संग करने का वजह से केवल संग नहीं, उनको सेवा करने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए वो कहते थे हर वैष्णव से उन्होंने अलग 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 शिक्षा को ग्रहण किया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपना एक एक भक्त को द्वारा एक एक चीज को स्थापन करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी को द्वारा उन्हें रस को उन्होंने स्थापन किया, कहते श्री जीव गोस्वामी को द्वारा सिद्धांत को स्थापन किया, हरिदास ठाकुर जी को द्वारा नाम की महिमा को स्थापन की, कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा उन्होंने हमारी प्रयोजन तत्व को उन्होंने स्थापन किया, कहते श्री सनातन गोस्वामी को द्वारा उन्होंने श्री संबंध है संबंध तत्व को उन्होंने स्थापन किया। उसी तरह श्रील प्रभुपाद भी, उनको साथ में भी ऐसे ऐसे धुरंधर भक्त थे प्रभुपाद की, सबरे हम श्रवण कर रहे थे। क्योंकि जब श्री प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए थे, कैसे हम अपना गुरु वर्गों का वाणी को हम स्थापन कैसे करें, प्रचार प्रसार कैसे करें, तो उनने स्वप्न समाधि में क्या देखा था, स्वप्न समाधि में स्वयं महाप्रभु प्रकट हुए, बोले कोई चिंता मत करो, तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे पास में जन बल नहीं, धन बल नहीं, मैं क्या करूं, कोई चिंता मत करो, केवल केवल चेष्टा करो, पास हम सबके सब पीछे भेज रहे हैं। वो प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद कहते हैं पहले तो मैं ये सोच रहा था भैया मैं अकेला, मैं क्या करूं अकेला, लेकिन जब महाप्रभु ने और गुरुवर्गों ने बताए नहीं तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ में हम सब के सब, तब वो कहते हैं मेरे अंदर में जितने उत्साह था उससे मेरे अंदर में 100 गुण और ज्यादा उत्साह आ गए, 100 गुण ज्यादा हमारे अंदर में उत्साह आ गया। इसलिए फिर तो मैंने ग्रंथ प्रकाश करना, प्रचार प्रसार करना, उसके लिए मैं लग गया। इसलिए कहते इनको प्रभुपाद के बहुत सारे भक्तों का संग सेवा करने का शिक्षा मिला। इसलिए हर वैष्णव से उनने कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त किया। सवेरे हम श्रवण कर रहे थे श्रील भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज से उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त किया, उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की हर समय श्रेष्ठ वैष्णव का संग करो, हरि कथा सुनो और उनकी हरि कथा और उनकी सेवा करो, हैं कथाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार प्रिय चकेवा। इसलिए जब तक वैष्णव की कृपा नहीं हो तब तक जीव का कल्याण नहीं। कहते उनसे और एक विशेष चीज उन्होंने सिखा था, क्या सिखा था उन्होंने बताया तो उग्र सभा बनो, क्या बना उग्र सभा, उग्र सभा मतलब क्या है, कहते श्री उग्र सभा है, इसलिए श्री सुत गोस्वामी उग्र सभा है, इसलिए उग्र सभा मतलब होता है अपना जो श्रवण को तेज करो, उग्र बनाओ अपना श्रवण को उग्र बनाओ। इसलिए जो नव विद्या भक्ति में सबसे पहला कौन सा भक्ति, श्रवण, उसको बाद में फिर कीर्तन, और जब तक हम सुनेंगे नहीं हैं तब तक फिर कीर्तन कैसे करेंगे। इसलिए जो जितने अच्छे तरह से श्रवण करते हैं उसका कीर्तन भी उतना बढ़िया होता है। इसलिए पहले श्रवण करो हैं, पहले उग्र सभा बनो, उग्र सभा मतलब अपना श्रवण को तेज बनाओ, किस चीज में, विषय की कथा में नहीं, भगवान की कथा सुनने में अपना कर्ण को तेज बनाओ हैं। इसलिए वो विशेष करके ये शिक्षा को प्रदान करते थे हैं। तब उन्होंने पूछे हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी, बोले महाराज जी हम उग्र सभा कैसे बने, बोले अपना श्रवण शक्ति को हम तेज कैसे करें। तब एक बात कहते थे, बोले देखो जब तुम गुरु वैष्णव का ठाकुर का सेवा करोगे ना, जब गुरु वैष्णव ठाकुर का सेवा करोगे क्या होगा, बोले क्या होता है, इसलिए कहते हैं ना न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न जम वै से वृणुते न लभ्य तसई से आत्मा विवृणुते तनस्वा। इसलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं हो भैया, जब तक वो किसी व्यक्ति को नहीं देते है ना, फिर तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सही जाने जा रहे देहु जाना है। अभी भगवान जिसको ऊपर कृपा करेंगे, प्रश्न है भगवान कृपा करें कैसे, हम कहते ना कृपा करो कृपा करो कृपा करो, ऐसे कृपा नहीं होता है, हैं सबेर कृपा, क्री मतलब करो, पा मतलब पाओगे, जब तक करोगे नहीं पाओगे कैसे। इसलिए
जब हम अपना तन मन से धन से हर तरह से गुरु वैष्णव की सेवा और ठाकुर का सेवा है, जो जितने निष्कपट पूर्वक करेगा ना, आप देखना उसका हृदय में, उसके हृदय में तत्व ज्ञान उतना ही स्फूर्ति प्राप्त होगा। और जो सेवा नहीं करेगा, जो सेवा नहीं करेगा ना, उसको मेवा नहीं मिल सकती। क्योंकि भगवान जिसको बढ़ाना चाहेंगे, भगवान जिसको उठाना चाहेंगे, वही उठ सकते हैं। इसलिए कहते ना, अपना इच्छा जीव कोटि इच्छा बांछा करे, और कृष्ण इच्छा बिना कि जो फल ना धरे। हम तो बहुत कुछ सोचते हैं, ये करेंगे वो बन जाएंगे, हमारे मन में बहुत सारी इच्छा होती है, लेकिन कृष्ण इच्छा बिना कि जो फल ना धरे। लेकिन जब तक ठाकुर जी की जगन्नाथ जी कृपा नहीं होता है ना भाई, जितने तुम कर लो कुछ होने वाले नहीं। लेकिन वो करेंगे कब, जब हमारे निष्कपट भावना को, सेवा की भावना को देखेंगे, हैं? तभी उनकी कृपा जीव गोबर में तभी बरसती है। इसलिए वो विशेष करके यही कहते थे, सेवा करो भगवान की, सेवा गुरु वैष्णव की सेवा करो, उनका आशीर्वाद से ही अपनी आप तुम्हारी उग्र सेवा हो जाएगा। मतलब कान में भगवान की कथा सुनने की जो उग्रता, मतलब जो तेज है, ये भगवान की कथा में किसको अच्छी लगेगी? सबको अच्छी थोड़ी लगेगी। जिसको प्रीति होगा ना, उसको तभी कथा में प्रीति होगी, नहीं तो कथा में अच्छी नहीं लगेगी। भगवान की कथा सबको अच्छी। आप एक लड़की को प्रेम करती हो, देखना उनका कथा होना तुम्हारी कान खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। कोई लड़की लड़का को प्रेम करता है, आप देख लेना, जो जिसको प्रेम करता है ना, उसको कथा सुनने के लिए कान खड़ी हो जाती है। लड़की का नाम हाथ में लिखोगे, दीवार में लिखोगे, कॉपी में लिखना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? कहते वहां तुम्हारी प्रेम है। उसी तरह भगवान में तुम्हारी प्रेम, इसका क्या प्रमाण है? कहते उनकी कथा हमें अच्छी लगती है, उनकी कथा हमें अच्छी लगती है। इसलिए जो जितने भगवान को प्रेम करते हैं, उनकी भगवान की कथा उनको उतना ही अच्छी लगती है। इसलिए क्या करनी चाहिए? भगवान की कथा में रुचि रखो, भगवान की कथा जरूर सुनो। कथा इसलिए वो कहते थे, भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज, बोले भैया अपना कान को उग्रसवा बनाओ। उग्रसवा मतलब उग्रसवा सूत है। जब से सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, वहां पर 88,000 लोग बैठे, सब ऋषि मुनि बैठे हुए थे, लेकिन सुतो गोस्वामी कहाँ बैठे थे? सबसे पीछे बैठे हुए थे, सबके पीछे बैठे हुए थे, लेकिन सारे तत्व ज्ञान किसके हृदय में स्फूर्ति हुई? कहते श्री सुतो गोस्वामी के हृदय में सारे तत्व ज्ञान, उनके हृदय में स्फूर्ति हुई। कारण क्या? बोले वो उग्र सभा थे। वो क्या थे? उग्र सभा थे। इसलिए वो कहते थे अपना कान को उग्र बनाओ। कहते उन्होंने श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज हैं, जो इमलीदास जी महाराज हैं, कहते भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज से उन्होंने क्या उन्होंने शिक्षा किया है? कहते किस समय में ये भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज किस समय में किसी मंदिर में कहीं गए हुए थे, लेकिन उनको बैठ करके शौच क्रिया करना, पैखाना करना कठिन होता था। जब कथित उसको देख करके किसी वैष्णव ने उनके लिए एक चेयर लाए, वो जो चेयर है ना, बेत का चेयर है, बेत का चेयर लाए, जैसे जो पायखाना करेंगे वो बेत के चेयर के ऊपर बैठ करके पायखाना करेंगे। पहले तो जो अभी वेस्टर्न जो टॉयलेट पहले नहीं होता था, हमारे इंडियन टॉयलेट होता था, उनके लिए जब उन्होंने लाए, देखो उन्होंने कितने बढ़िया शिक्षा दी। जब उनके लिए उन्होंने ये चीज को लाए, तो उन्होंने बोले भैया हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। बोले आप क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हो? बोले जितना बार इसको ऊपर बैठ कर मैं पैखाना करूंगा, किसी भक्तों को उसको धुलाना पड़ेगा, उसको साफ कर धुलाना पड़ेगा, बेत का उसको पानी डालकर धुलाना पड़ेगा। और कहते थे ये जो बेत का उस समय तो हर चीज पर कीमत होता था, और यहाँ पर जो वस्तु आता है, जो पैसा आता है मंदिर में, जो कुछ देता है किसके लिए देता है? वो मेरे सेवा के लिए नहीं देता है। किसकी सेवा के लिए देते हैं? वो ठाकुर जी की सेवा के लिए देते हैं। जब हर चीज ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, तभी वो वस्तु का सार्थकता है। और मैं अपना को अपना किस अपना सेवा में और हम किसको लगाएंगे? नहीं, हम ये चीज को नहीं चाहते, ये चीज को नहीं चाहते। इसलिए वो कहते थे भले ही श्रेष्ठ वैष्णव हो, नहीं तो कनिष्ठ वैष्णव हो, हैं, वो मेरे सेव्य है। जो मंदिर में आए किसके लिए आए? एक वैष्णव, वो गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए आए। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ किसी व्यक्ति को अपना सेवा में लगाना, मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने
वो उसको स्वीकार उन्होंने नहीं किया। इसलिए महाराज कहते थे उनसे मैंने क्या शिक्षा प्राप्त किया, मैंने ये सेवक ये चीज को प्राप्त किया है, मंदिर में जो लोग आते हैं भगवान गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, ठाकुर को सेवा के लिए आते हैं, पर्सनल रूप में जो अपना अपना लिए कोई कीमती चीज को भगवान की कोशिश करनी चाहिए, अपना शरीर निर्वाह करने के लिए जितने कम से कम चीज को हम व्यवहार करें अपना शरीर निर्वाह के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ वस्तु आता है ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आता है। हर चीज अगर ठाकुर को सेवा में लगेगा तभी वो वस्तु का सार्थकता है, अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगा ना फिर तो बड़ा गड़बड़ी, फिर बड़ा गड़बड़ी। कहते उनसे मैंने ये शिक्षा प्राप्त की, बोले भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से मैंने क्या शिक्षा प्राप्त किया है, हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव कहते उनसे हमने क्या शिक्षा प्राप्त किया, बोले उनसे हमने ये शिक्षा प्राप्त किया, कहते हमारी जो जब गौड़ीय मठ दो भाग में विभक्त हो गया, कहते एक तो श्री कहते भक्ति वल्लभ भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज को हिस्सा में जो चैतन्य हमारे जो चैतन्य गौड़ीय मठ है, जो मायापुर जो मठ है उनको पूरा उन्होंने ले लिया, और जो 64 मठ प्रभुपाद का था उसका जो और जितना सारी मठ है कहते ये भक्ति का भीतर भीतर बसो कहीं बाहर बसो, धीरे 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 ऐसी खाई खाई तो अभ्यास करो, ऐसी धीरे धीरे खाओ तब तो अभ्यास हो, ऐसी न खाई लो अभ्यास कभी दे। इसलिए आधा मठ किसको हिस्सा में गया, भक्ति केवल औडली गोस्वामी महाराज के हिस्सा में गया, कहते उधर के सुंदरानंद विद्यामृत थे हैं उनकी हिस्सा में उन्होंने चला गया, लेकिन ये सुंदरानंद विद्यामृत जो था हाँ उन्होंने कभी उन्होंने गृहस्थ हो गए, लेकिन जब उन्होंने गृहस्थ हो गए उसी समय में ये गौड़ीय मठ है, गौड़ीय मठ में जो आचार्य कोई सन्यासी तो बनेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया प्रभुपाद का मतलब जो सिद्धांत तत्व से उन्हें थोड़ा अलग हट गया, तो उन्होंने बोले देखो ये जितने गौड़ीय मठ है 64 मठ में जैसे 63 जो मठ है और एक मठ चला गया भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, कहते इसमें जो एक मठ है जो 63 जो मठ है कहते मैं उनको दे सकता हूँ जो बाबा जी में सफेद कपड़ा पहनेगा, ये लाल कपड़ा छोड़ करके जो ये सफेद कपड़ा पहनेगा उसको मैं दे सकता हूँ बाबा जी वैसे। तो उसमें भक्ति केवल औडली गोस्वामी महाराज ने उन्हें ये सफेद ड्रेस को उन्होंने धारण करते हुए उन्होंने प्रभुपाद का दिया हुआ सन्यासी, प्रभुपाद उनको सन्यास दिया था उन्होंने इसको छोड़ दिए, छोड़ करके उन्होंने सफेद कपड़ा पहन लिया, जब पहन लिया और हमारे भक्ति प्रज्ञान के सोए गोस्वामी महाराज बड़े तेज थे, अगर प्रभुपाद का विरोध में अगर कोई व्यक्ति चले उसको नहीं छोड़ते थे शेर जैसे थे, इसलिए उनको जो उपाधि भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज क्या उपाधि दिया, क्या उपाधि दिया बोलो, आचार्य केसरी, केसरी मतलब शेर, आचार्य शेर जैसे हैं। जब उन्होंने ये चीज को देखा ना उनका एकदम पूरा शरीर में आग लग गया, बोले क्या प्रभुपाद का विरोध, प्रभुपाद ने दिया सन्यासी ड्रेस और सन्यासी ड्रेस को छोड़ करके बाबा जी ये सफेद कपड़ा, ये विधवा लोग पहनते हैं सफेद कपड़ा, कौन पहनते हैं, विधवा पहनती है, इसलिए और जो सधवा वो क्या कपड़ा पहनते हैं, लाल नील हल्दी ये सब रंग पहनते हैं, इसलिए जो विधवा है हमारे देश में विधवा कौन सा कपड़ा पहनते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं, बोले ये विधवा है ये सधवा नहीं, ये विधवा है इनका पति पति कुछ है ही नहीं है, इसलिए प्रभुपाद तो बिगड़ गए प्रभुपाद, और उनने क्या किया मंदिर का जो रूल रेगुलेशन उन्होंने बदला दिया, क्या बदला दिया, भले ये हरे कृष्ण महामंत्र को क्या करनी चाहिए, कुछ बाबा जी लोगों का मत है जब हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधेश्या हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जोर से नहीं करनी चाहिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र को मन मन में करनी चाहिए हैं, इसको मन मन में करनी चाहिए जोर से नहीं करनी चाहिए, उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र को उन्होंने इसको भी बदला दिया हैं, और उन्होंने क्या किया कहते उन्होंने नवद्वीप हैं, और उन्होंने नवद्वीप जो परिक्रमा है कहते ये नवद्वीप का जो परिक्रमा है ये सही नहीं है, इसलिए उन्होंने इस चीज को उन्होंने विरोध किया,
जो विरोधी किया और भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज इनको नाम पर उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। क्या केस कर दिया? बल्कि जो मंदिर है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ये मंदिर है। कभी ये मंदिर में है, कभी ये मंदिर में कौन रह सकते हैं? कहते उनका जो फलवार इसलिए उनका जो फलवार लोग उसमें रह सकते हैं, उनको जो फॉलो नहीं करते उन नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने लाल कपड़ा पहने और उनने सन्यासी को दिए और वो भी लाल कपड़ा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र को उनने जोर जोर से उच्चारण करते थे। और ये लोग क्या किया, प्रभुपाद का जो जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करना इनको उन्होंने त्याग दे दिया और उन्होंने प्रभुपाद का दिया हुआ लाल कपड़ा को छोड़ करके उन्होंने अभी सबको सफेद कपड़ा दे रहे हैं। इसलिए ये लोग और प्रभुपाद ने ये नवद्वीप परिक्रमा को प्रारंभ किया है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, प्रभुपाद का विरोध में सारे उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। अभी जब इन्होंने सुना और उनको पता है भक्ति केवल अडल महाराज क्या बता, ये आचार्य सिंह है ये साधारण नहीं, जब उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया ना उधर तुम कांप गए, बोला अभी क्या होगा, अभी हम जाकर क्या बोलेंगे। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, कोर्ट में कल उनका डेट है, एक दिन पहले उन्होंने 8 व्यक्तियों को सन्यास दे दिया है, सन्यासी और सबको लाल कपड़ा दे दिया, लाल कपड़ा सन्यास दे दिया। और जो कोर्ट का जिस दिन उनको नंबर आया उन्होंने क्या किया, सारे मंदिर का जितने सब ब्रह्मचारी थे ना भक्तों को सबको लेकर के मृदंग करताल करते हुए और हरे कृष्ण नाम को उच्च स्वर में करते 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 कहां पर पहुंचे, उन्होंने कोर्ट में जाकर पहुंचे और कोर्ट में पहुंच करके उनको दिखाया, नहीं हम प्रभुपाद का धारा को छोड़े नहीं, हम उच्च स्वर से हरिनाम करते हैं, देखो हमारे सन्यासी लाल कपड़ा पहने हुए और त्रिदंड है। उन्होंने जाकर ये चीज को वहां स्थापित जब स्थापित कर दिया उन्होंने, तब उन्होंने स्थापित कर दिया तो हमारे भक्ति प्रज्ञान केस कर दिया था ना उनका नाम पर, तब भक्ति विज्ञान भारती महाराज कह रहे थे मैंने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास में आए, बोले महाराज जी उन्होंने तो ये स्थापना कर दिया, क्या स्थापना कर दिया, आपने जो उनको विरोध में केस किया था उन्हें स्थापना कर दिया, नहीं प्रभुपाद का धारा को हमने नहीं छोड़ा, प्रभुपाद का धारा में आप तो फेल हो गए। देखो ये क्या कह रहे थे, बोले फेल होकर भी हम पास हो गए, वो पास होकर भी फेल हो गए, क्योंकि हम किस लिए कोर्ट में केस किया था, इन्होंने प्रभुपाद का धारा को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभुपाद की धारा को पुनः उन्होंने ग्रहण कर लिया। इसमें जीत किसकी हुई, जीत हमारी हुई और हार उनकी हुई, इसलिए हम हार कर भी जीते और वो जीत करके भी वो हार गए। मतलब ऐसे भक्ति विज्ञान भारती महाराज कहते थे बात को, ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि थे, इसलिए उन्होंने वहां से उन्होंने इस सब चीज को उन्होंने ग्रहण किया। कहते भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी महाराज से महाराज कहते उनसे मैंने किस चीज की प्राप्त उन्होंने किया है? कहते उनसे उन्होंने कभी रथ यात्रा के समय में कभी उन्होंने जगन्नाथ जब रथ जा रहे थे उन्होंने भावाभिष्ट होकर के सही तो परारनाथ पायलु जा लागी मदन दहन झुरगल, इसी भाव में अभिष्ट होकर के महाप्रभु कैसे रथ यात्रा के समय में जैसे बड़े दिनों के बाद में कुरुक्षेत्र में कैसे मैंने श्याम सुंदर को प्राप्त किया और उनने उनका अपना हृदय रूपी रथ में बैठा करके कैसे राधा रानी उनको कुरुक्षेत्र से कैसे वृंदावन ले जा रही, इसी भाव से कर रहे थे। और उनका एक बैग था उसमें सारे उनको पैसा और गिट्टी कुछ था, लेकिन उस समय कोई चोर क्या कर रहा था, उसको हाथ डालकर चोरी कर रहा था, एक व्यक्ति उसको पकड़ लिया, पकड़ करके उन्होंने चिल्लाने लग गया मैंने चोर को पकड़ लिया चोर को पकड़ लिया। इतने में भक्ति प्रमोद पुरी को सब भावाभिष्ट होकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। उसके बाद में जब उन्होंने पूछा महाराज मैंने इतना बड़ा काम किया है चोर को पकड़ लिया आप तो उसे खुश नहीं हुए, बोले दुष्ट अरे चोर तो ये पैसा कभी आ जाएगा लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन और कभी होगा। ये जो भाव से हम अभिष्ट होकर के जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे भाव से महाप्रभु कैसे रथ को खींच रहे हैं, ये चीज कभी आएगी, ये तो पैसा कभी मिल जाएगी, ये व्यवहारिक वस्तु को इतने क्यों महत्व देते हो, इसलिए पारमार्थिक वस्तु का प्रति ज्यादा महत्व दिया करो। महाराज बोलते तो उससे उनसे हमने ये वस्तु को ग्रहण किया। बोले तो जब एक समय कभी ट्रेन में आ रहे थे आते समय कहते एक उनके साथ में एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था श्री विष्णु प्रभु, एक धनाढ्य व्यक्ति ने पैसा लाए और पैसा ला करके मेरे को वो पैसा दे रहे थे, लेकिन देने से पहले वो जो ब्रह्मचारी को उन्होंने बड़े डांट लगाए बट उनको गाली गलौज किया। जब मेरे को बहुत पैसा दे रहे थे बोले मैंने उससे पैसा ग्रहण नहीं किया, महाराज कहते थे बोले क्यों ग्रहण नहीं किया, बोले इसलिए मैंने ग्रहण नहीं किया, कहते तुमने एक वैष्णव को डांट लगाया
मतलब एक वैष्णव को चरण में तुमने अपराध किया है, प्रभुपाद का आश्रित है, उनको डांट लगा कर पैसा दे रहे हो मेरे को, अगर ये पैसा मैं ग्रहण करूंगा ना ये वैष्णव चरण में अपराध ही बनूंगा। एक है एक बंदे एक निंदे एक बंदे जाय के नाश, एक को तो वंदना कर रहे हो और एक तुम निंदा कर रहे हो, एक तुम वंदना कर रहे हो, है इसलिए जाय के नाश उसका नाश हो जाता है। इसलिए हम तुमसे पैसा ग्रहण नहीं करेंगे, तुम वैष्णव अपराधी हो, नहीं तो अपराध मेरे को लगेगा। इसलिए इनका जीवन में बहुत बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, उन्होंने भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बहुत बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी। आज दिन भर तक हम इनकी कथा सुन रहे थे, इसलिए वे हम सबको ऊपर में आशीर्वाद कृपा करें, जैसे उनका पथ में हम चलते हुए भगवान की भक्ति और गुरु वैष्णव की सेवा जैसे जिंदगी भर कर सके, वे हम सबको ऊपर में ये आशीर्वाद करें। अभी से हमारे श्री उत्तम कृष्ण प्रभु जी महाराज की बहुत सेवा किए हैं, इसलिए अभी उन्होंने उनके चरण में श्रद्धा पुष्प बढ़िया ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय क्षीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमराधितम परम करुणामय कृपात पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत शिष्यमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अशोक वाई चरणारविंद में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट परमराधितम ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत शिष्यमशील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरु परंपरा रूपानुग गुरुजन पूज्यपाद श्री महाराज जी उपस्थित सभी वैष्णववृंद सभी के चरणों में जतनयोग्य धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। आज परम पवित्र तिथि है, जगन्नाथ जी के श्री बाहुड़ा यात्रा और शयन एकादशी, और आज के दिन में ही हमारे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के अत्यंत अंतरंग प्रिय पार्षद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज के एक अंतरंग निजजन शिष्य मशील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के आज सुबह आविर्भाव तिथि। वैष्णव के आविर्भाव और तिरुभाव एक तात्पर्य फरक हैं और दोनों जगत के लिए मंगलदायक हैं। वैष्णव के आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि साधकों के लिए एक आत्मसमीक्षा का दिन है। वैष्णवों के तिथि में वैष्णवों के गुणगान ये सभी साधकों के लिए एक विशेष सौभाग्य का विषय होता है। वैष्णवगण कहते हैं शास्त्रों में कि वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण सुनियाची साधु गुरु मुखे, कृष्ण प्रेम समुदाय जन्म सफल है ए भव दरिया जाए सुखे। इसे वैष्णवों के गुणगान करने पर जीव का अशेष कल्याण होता है। अशेष कल्याण का तात्पर्य जिस कल्याण के बाद में और कोई कल्याण नहीं है, जो अंतिम कल्याण आत्यंतिक जो कल्याण वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और वैष्णवों के गुणगान करने पर वो आत्यंतिक कल्याण हमको प्राप्त होता है। और आनुषंगिक रूप में ये भव सगार भव संसार के जो बंधन हैं, संसारिक जो क्लेश हैं, संसारिक जो कुछ
विषय हैं वो आनुषंगिक रूप में दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ते कारण ये प्रयास जथा वामनेर आस गगनेर चांद धरिवारे अदोष दरस्य तुम्हें अधम पतित आमे निज गुणे क्षमिवा अमारे। प्रभुपाद जी के उद्देश्य से किसी वैष्णव ये पद को लिखे हैं, कहते हैं इसी उद्देश्य से, इसी आशय से, ते कारण ये प्रयास वैष्णव के गुणगान करने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ, परंतु हृदय में एक आशा है, एक विश्वास है। जैसे वामन चांद को पकड़ने के लिए प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार आप मुझ जैसे अधम पतित और अयोग्य व्यक्ति के दोष त्रुटि को क्षमा करके आप हमें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तो पूज्यपाद श्री महाराज जी 1923 ख्रीष्टाब्द में बंगाल के, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला के अंतर्गत सीतारामपुर नामक एक ग्राम में एक उच्च संभ्रांत ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए। वैष्णव का जो आविर्भाव भगवती इच्छा से किसी भी जाति और कुल में हो सकता है। वैष्णवों के भगवान के शुद्ध भक्त भगवती इच्छा से किसी भी कुल में, किसी भी जाति में आविर्भूत होकर उस जाति को, उस कुल को पवित्र करते हैं और कृष्ण भजन के लिए सब प्रकार के जाति, सब प्रकार के व्यक्ति योग्य हैं। शास्त्र के जो वचन हैं उसको जगत में प्रमाण के रूप में स्थापित करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी जवन कुल में आए, परंतु भगवान के प्रिय भक्त बने और स्वयं महाप्रभु उनको नाम आचार्य की उपाधि प्रदान की। इसीलिए कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार, जय भजे से बड़ो अभक्त हीन छार। यही सब वेद वाक्य साखी दिखाते जन्म लेन हरिदास जवन कुल। तो जैसे वैष्णव जवन कुल में भी जन्म आविर्भूत होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में भी आविर्भूत होते हैं। किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी भी कुल में जन्म होकर उसी कुल को पवित्र करते हैं। जय कुले जय देशे वैष्णव अवतरे तार प्रभाव कोटि योजन निस्तरे। एक शुद्ध भक्त जिस देश में, जिस कुल में जन्म लेते हैं, उनकी वैष्णवता के प्रभाव से कोटि योजन पर्यंत स्थान पवित्र हो जाता है, निस्तर हो जाता है। तो बाल्यकाल से ही पूज्यपाद श्री महाराज जी समस्त प्रकार के दिव्य गुणों से विभूषित थे। जिसे तुलसी अपने प्रारंभ से ही, तुलसी तो पत्ते जब अंकुरित होता है उस समय से ही वो अपना गुण और अपने सुगंध को विस्तार करता है। उसी प्रकार शुद्ध भक्त वो स्वाभाविक रूप में भक्ति ही होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जन्म से ही उनके सारे दिव्य लक्षण समूह उनके शरीर में दिखता था, उसी प्रकार पूज्यपाद महाराज जी बाल्यकाल से सारे दिव्य गुणों से और लक्षणों से, वैष्णवीय गुणों से विभूषित थे और ब्राह्मणोचित संस्कार था। परंतु जगत में प्रारंभिक अवस्था में जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए जैसे भगवान ने आकर स्वाभाविक रूप में एक नरवत लीला विस्तार करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध भक्त आकर साधारण नर बालक की तरह विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं, अर्थात क्रीड़ा, कौतुक, विद्या विलास आदि, विद्या अध्ययन आदि ये समस्त कार्य करते हैं। फिर साधु संग, सदगुरु से मंत्र दीक्षा आदि की प्राप्ति, ये सभी लोक शिक्षा के लिए। परंतु उनकी जो भक्ति स्वाभाविक रूप में जन्म से सिद्ध होता है, उनको कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध थे, ब्रह्मा जी थे, परंतु जन्म हो करके साधन की ये जो लीला आई, उन्होंने हम सभी जीवों को उपयुक्त शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये सभी लीलाएं की। उसी प्रकार महाराज जी बाल्य काल से ही समस्त ब्राह्मणोचित संस्कार से युक्त थे। ब्राह्मण कुल में महाराज जी कहते थे कि यद्यपि हमको कुछ पता नहीं था, फिर भी हमारे परिवार के जो प्रचलन से घर में उनके श्री शालग्राम शिला की सेवा और मंदिर, और सुबह उठते ही नहा धो करके पहले मंदिर में जाकर
प्रणाम करना होता था, मंदिर को परिक्रमा करना होता था और एक मंत्र को महाराज कहते थे। यद्यपि इस मंत्र का अर्थ हमको पता नहीं था, परंतु माता पिता और परिवार वर्गों ने हमको बार बार कह कह करके इस मंत्र को याद दिला दिया था और ठाकुर जी को प्रणाम करते समय ये मंत्र उच्चारण करके हमको प्रणाम करना होता था। संताकारम भुजग शयनम पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम जोगिवी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथ। इस श्लोक को बाल्यकाल से नित्य प्रति सुबह ठाकुर जी के सामने ये मंत्र उच्चारण करके ठाकुर जी को प्रणाम करना और मंदिर को परिक्रमा करना, ये उनका नित्य बाल्यकाल से उनका नित्य कृत्य था। और तब जाकर उनको कुछ खान भोजन पानी मिलता था, अगर मंदिर में प्रणाम और परिक्रमा नहीं करते तब उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो इसी प्रकार बाल्यकाल से इस प्रकार संस्कार से युक्त, अगर बाल्यकाल से ये दिव्य मंत्र को कोई उच्चारण करे तो स्वाभाविक रूप में भगवान की वो सारी कृपाएं, भगवान की कृपा से वो समस्त दिव्य गुण स्वाभाविक रूप में हृदय में आता है। तो जब बड़े होने लगे, विद्यालय में अध्ययन किया, 8 साल की उम्र में उनकी उपनयन संस्कार किया गया, माता पिता उनको उपयुक्त संस्कार देने के लिए उनके उपनयन संस्कार और उस संस्कार उत्सव में और भी सारी बालक लोग ब्राह्मण वो भी उसी दिन उनका भी उपनयन संस्कार हो रहा था और उनके माता पिता श्रीनिवास आचार्य के वंश में उनके अनुजायों के दीक्षित थे। फिर भी जो ब्राह्मण चित्त का जो संस्कार उनमें और अधिक दृढ़ रूप में दिखता था, उनके पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के कारण वो ब्राह्मण का जो संस्कार ये दृढ़ रूप में उनमें दिखता था। तो उपनयन संस्कार के समय जो पुरोहित उनको और सारे बालकों को उपनयन विधि पूर्वक मंत्र आदि का प्रदान किया और महाराज कहते जब मेरी बारी आई तो मुझे मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा, उपयुक्त मंत्र देकर पुजारी पुरोहित कहने लगे कि मैं जो मंत्र उच्चारण करूंगा उसके बाद तुम बाढ़म बाढ़म कहना, अर्थात मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो उस समय पुरोहित ने कहा कि अब ये मंत्र उच्चारण करो। उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण किया कि आज से मैं दिन में नहीं सोऊंगा उस मंत्र के माध्यम से, और महाराज जी को कहना था बाढ़म, अर्थात मैं इसको स्वीकार व अंगीकार करता हूँ। परंतु महाराज जी इसको नहीं कहा तो सारे लोग जो उस यज्ञ कार्य में अनुष्ठान में उपस्थित सभी बड़े आश्चर्यजनक बालक क्यों नहीं कह रहे, उनको बार बार कहने पर भी महाराज जी ने ये बाढ़म अर्थात मैं इसको अंगीकार करता हूँ ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि महाराज जी उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि अब मैं बालक हूँ, अब मैं सोऊंगा नहीं, अगर मैं शरीर अस्वस्थ होने पर अगर आवश्यक पड़ा तो फिर मुझको दिन में भी सोना पड़ेगा, इसलिए मैं कैसे इसको अंगीकार कर लूँ। अर्थात उनके माता पिता से उनको ये शिक्षा प्राप्त हुई थी कि जिस वस्तु को तुम आचरण नहीं कर सकते उस विषय में शपथ नहीं लेना, प्रतिज्ञा ग्रहण नहीं करना। तो उनकी ये स्पष्ट बाध्यता को देख करके उनके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और साधारण लोग यद्यपि थोड़ा विरक्त हुए परंतु माता पिता बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ इस बालक निर्भीक हैं और सत्यवादी हैं। और ये सारा जो उनके विचार, उनके जो गुण सारा जीवन उनमें देखने को मिलता था, उनकी हर क्षेत्र में हर विषय को अत्यंत गंभीर रूप में प्रवेश करके उसके निगूढ़ अर्थ को जब तक हृदय में उन्होंने हृदयंगम नहीं किया तब तक उसको स्वीकार नहीं करते थे। कोई कुछ बोल दिया उसको सुन करके हम उसको सच मान ले ये महाराज के स्वभाव नहीं था। महाराज जी बोलते थे मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था कि कोई कुछ भी बोल दे मैं उसको सच मान लूं।
जब तक मैं उस विषय को गंभीर रूप में अनुभव न कर लूं तब तक मैं उसको सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और ये बाल्यकाल से भी उनके चरित्र में देखा गया। इसी प्रकार बाल्यकाल से ही उनका ये सारे जो दिव्य गुण स्पष्टवादिता और सत्यवादिता और आचार परायण ये उनको बाल्यकाल से ही दिखता था। और धीरे धीरे जब बड़े हुए उच्च विद्यालय में उन्होंने अध्ययन समाप्त करके महाविद्यालय में कॉलेज में पढ़े और उसी उपरांत कॉलेज के विद्या अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक शिक्षकता कार्य किया था। और उसी समय पश्चिम बंगाल में उन्होंने मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी के एक आश्रम था श्यामानंद गौड़ी मठ, उसी समय उनको भक्ति विद्या जाजावर गोस्वामी के आश्रित कोई शिष्य के साथ उनका संपर्क हुआ और तब से उन्होंने इस गौड़ी मठ के विषय में सुना। और गौड़ी मठ के विषय में सुन करके उसी श्यामानंद गौड़ी मठ में आने लगे। और उसी समय प्रभुपाद जी के अंतरंग जो निज जन पूज्यपाद भक्त देत माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, भक्ति गौरव वैखनस गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के जितने सभी बड़े बड़े धुरंधर उनके अंतरंग निज जन थे उसी समय क्रम में उसी मठ में आते थे। और ऐसे भक्तों का दर्शन उनके मुख विगलित भगवान की सी जो कथामृत को सुन करके बड़े प्रभावित हुए। ऐसे भक्तों के संग से कौन प्रभावित नहीं होगा। प्रभुपाद जी के गण कोई साधारण तो नहीं थे। हमने सुना है कि प्रभुपाद जी जब शतकोटि नाम यज्ञ समापन किया तब प्रभुपाद महाप्रभु अपने सभी प्रिय पार्षदों के साथ उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनको ये आश्वासना बाणी दी, उनको आदेश दिया तुम आप प्रचार करो। और प्रभुपाद जी जब अपने दैन्य व्यक्त किया तो बोले चिंता मत करो, सभी तुम्हारे पास उपलब्ध कराया जाएगा, तुम बाहर निकलो, सारा विश्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए प्रभुपाद जी जब धीरे धीरे संन्यास लेकर प्रचार कार्य शुरू किया तब एक एक करके अत्यंत विद्वान अत्यंत उच्च शिक्षित समृद्ध युवक आकर के प्रभुपाद जी के संग में योगदान किया। तो ये सभी महाप्रभु जी के द्वारा प्रेरित एक एक उनके पार्षद हैं, प्रभुपाद जी के गणों के रूप में जगत में अवतीर्ण हुए। और ऐसे गणों के मुख विगलित हरि कथा कोई सुने और शुद्ध हृदय से तो उसका हृदय अवश्य ही परिवर्तित होता है। पूज्यपाद महाराज जी बार बार एक श्लोक का बहुत समय श्लोक को उच्चारण करते थे कि अविस्मृति कृष्ण पदार विंदयो खिनोति अभद्राणी च सम तनोति सत्यस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। इस श्लोक को प्रायत महाराज जी विशेष करके उनके कथाओं में इस श्लोक को उच्चारण करते थे और उसको व्याख्या भी करते थे। इस श्लोक में क्या अर्थ क्या है कि अविस्मृति विस्मृत न होना तथा निरंतर स्मरण में रखना। क्या स्मरण में रखना? ना कृष्ण पदारविंद भगवान की चरणारविंद को अपने स्मरण में रखना, ये उसका एक अर्थ है। महाराज और एक अर्थ कहते थे कि कृष्ण के पदारविंद कौन है? उनके प्रिय भक्त। जैसे हम गुरु वर्गों के नाम के साथ हम विष्णुपाद शब्द हम संबोधन करके लगाते हैं, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी स्मरण। भगवान के जो पाद पद्म अर्थात भगवान जिनके द्वारा चलते हैं, भक्त उनको जहां ले जाता है भगवान वहीं पर चलते हैं चले जाते हैं। भक्त के बिना भगवान एक पग कहीं नहीं जाते। भगवान भक्त जो चाहता है जहां चाहता है भगवान वैसा ही करते हैं, वहां ही जाते हैं। इसलिए भगवान के पाद पद्म अर्थात शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव। और ऐसा वैष्णव कैसे? सिर्फ माला तिलक कंठी पहन करके हरिनाम करता हुआ ऐसा वैष्णव? वैष्णव अर्थात शुद्ध वैष्णव
जो संपूर्ण रूप में शत प्रतिशत अन्य अभिलाषिता शून्य हो, ज्ञान कर्मादि अनाभ अनुकूल्य न कृष्णानुशीलन परायण हो, वो शुद्ध भक्त है। हमारे भक्त विनोद ठाकुर जी उस कीर्तन में कहते ना, कबे मुई वैष्णव चिनी वह हरि हरि, वैष्णव चरण कल्याण रे खनी माति व हृदय धरी। वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा निर्दोष आनंदमय, हरि नामे प्रीत जड़े उदासीन, जीवेते दयाद्र है, अभिमान शून्य भजने प्रवीण, विषय अनासक्त अंतरे बाहिरी निष्कपट, सदा नित्य लीला अनुरक्त। ये वैष्णव की परिभाषा है, वैष्णव का लक्षण है। इन लक्षणों के द्वारा वैष्णव को पहचानना होगा, शुद्ध भक्त को। सिर्फ माला तिलक लेकर तुझे पत्रिकों को स्वयं महाराज बोलते थे, जैसे दीवार में हम रंग लगा रहे हैं, नहीं, वैष्णव अर्थात उनका ये लक्षण होगा। क्या लक्षण? वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा निर्दोष आनंदमय, निर्दोष उनका जड़, कोई दोष रहित, जड़ दोष नहीं है उनमें, नहीं रह सकता। अष्टादश महादोष रहित और आनंदमय, सब समय उनका चित्त आनंद व प्रफुल्लित रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान के सानिध्य लाभ करने के कारण, भगवान नाम के सानिध्य लाभ करने के कारण चित्त सब समय प्रफुल्लित रहता है। उनको इस जगत में कोई दुख स्पर्श नहीं करता, ये वैष्णव का लक्षण। जो वैष्णव सब समय दुखी हैं, वैष्णव ये लक्षण नहीं है। सब समय उद्विग्न रहता है, सब समय चिंताग्रस्त रहता है, नहीं। पूज्यपाद महाराज जी को जिन्होंने देखा है, उन्होंने अनुभव किया होगा, सब समय प्रसन्न रहते थे, सब समय उनका मुख प्रफुल्लित जैसे कमल की तरह खिला हुआ दिखता था। मन में कोई ग्लानि, कोई उद्वेग का कोई चिन्ह दिखता नहीं था। सब समय जैसे बच्चों की तरह, छोटा बच्चा जब उसको उसमें कोई दुख नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों के ये लक्षण है। निर्दोष आनंदमय और हरिनामे प्रीत जड़े उदासीन जीवित, हरिनाम में सब समय रुचि प्रीति, जड़ विषय में उदासीन, जड़ विषय भोग के लिए कोई चेष्टा नहीं, जितना आवश्यक उतना ले करके बस, मुख्य उद्देश्य भगवान की नाम रस का आस्वादन। और जीवित दयार्द्र है, और स्वाभाविक रूप में जीवों के प्रति दया भाव, सभी के प्रति सम भाव, सभी जीव को अपना जैसा व्यवहार, मेरा पराया भाव नहीं, ये मेरा है शिष्य है, वो दूसरों का शिष्य है, वो तीसरे का शिष्य है, ये शिष्य मेरा है इस मठ में रहेगा, इसी भाव नहीं, इसको अधिक प्रीति करूंगा, वो दूसरों का शिष्य उसको दूसरे मठ में भेज दो, नहीं। सभी के प्रति समभाव दया, हर जीव भगवान के दास हैं, इसी बुद्धि महाराज जी के चरित्र में देखा, हमारे गुरु जी के चरित्र में। पूज्यपाद महाराज जी के पास जो भी उनसे सानिध्य में आया, उन्होंने अनुभव किया होगा कैसे वो सभी को जैसे अपना जैसा बुद्धि, मेरा पराया उनका कोई भाव उनमें दिखता नहीं था। ये वैष्णव का लक्षण है। हरि नामे प्रीत जड़े उदासीन, जड़ विषय में कोई चेष्टा नहीं, और जीव के प्रति दया। एक बार जब पूज्यपाद महाराज जी यहीं पर रहते थे पास में, उनका जो शुद्ध चैतन्य विशुद्ध चैतन्य वाणी आश्रम में महाराज जी के दर्शन के लिए मैं गया हुआ था, और उस समय मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लौटा था, तो वहाँ पर हमारे संजय प्रभु जी महाराज जी के सेवक थे, तो उन्होंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी प्रभु आए हैं और ये अभी विदेश से प्रचार करके आए हैं। तो महाराज जी तुरंत बोले,
कि कबे जीवे दया हईबे उदय निजे सुख भूली सुदीन हृदय भक्ति विनोद करिया विनय सी आज्ञा टहल करिबे प्रचार। महाराज तुरंत ये पद को बोले अर्थात कब जीवों के प्रति दया भाव उत्पन्न होगा और निज सुख भूली सुदीन हृदय अपना सुख स्वच्छंद को भूल करके हृदय अत्यंत दीनहीन होगा सुदीन। जब तक हम अपना सुख सुविधा अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा में हम ना घूमते रहेंगे तब तक जीवों के प्रति ना दया आएगी ना अपने हृदय में दीनता भाव आएगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए हृदय से इस समस्त कामना वासना को छोड़ करके जब हम शुद्ध रूप में एकमात्र कृष्ण केंद्रिक होकर के भगवत केंद्रिक होकर के भगवत सुखी का परायण होकर के जब हम साधन करेंगे तब जाकर जीवों प्रति दया भाव आएगा और अपना हृदय में दीनता आएगी। अब हम तो बहुत बड़े बड़े कथा तो बोलते हैं परंतु हृदय में दीनता का गंध नहीं है। प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु जी लिखते हैं कि प्रभुपाद जी के समय में बहुत बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े वक्ता तथाकथित नव नव उपाय अवलंबनकारी किसी समय एक साधा एक भक्त को जिनमें कोई बाह्य की कार्य कुशलता दिखता नहीं था और जो नव नव उपाय उद्भावन करी बड़े बड़े अपने को वक्ता मानने वाले पंडित मानने वाले व्यक्ति उन कार्य कुशल रहित बाह्य की कुशल रहित भक्त को जब उन्होंने कुछ कटाक्ष किया तो प्रभुपाद जी सिंह नाद से अर्थात सिंह की तरह गर्जन करते हुए उनको प्रतिवाद किया। अर्थात परम गुरु जी लिखते हैं कि जो अपने को बड़े बड़े ज्ञानी गुणी और वक्ता मैं सबसे बड़ा समर्थ हूं मेरे कथा को सुनकर के बहुत लोग मठ में आ रहे हैं मेरा बहुत समर्थ है ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने उच्च आसन नहीं दिया और वो निरक्षर व्यक्ति होने पर भी उसके हृदय के आवेग में प्रभुपाद जी के प्रति हरि गुरु वैष्णव के प्रति जो भावना थी उस भावना को प्रभुपाद जी ने उच्च आसन दिया। चाहे वो बाह्य कार्य कुशलता कुछ दिखता न हो तो उसके हृदय के आवेग में बोल भगवान के प्रति हरि गुरु वैष्णव प्रति जो भाव छिपा हुआ है वो वास्तव में श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी ने उसको उच्च आसन दिया। इसलिए वैष्णवों को उसी प्रकार निष्कपट होकर के और पूज्य पद महाराज में सारे दिखता था अपने प्रति कोई अभिमान नहीं था इतने बड़े इतने शिष्ट होकर के भी अपने को जिस साधारण बालक जैसा भाव सभी के प्रति सम्मान अपने कभी आत्म प्रशंसा नहीं आत्म प्रशंसा माने ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से कभी उसका गंध तक दिखने को नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं ऐसे वैष्णवों के ये वास्तव विष्णु पद जो योग्य हैं कृष्ण विष्णु पाद ये हैं भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में नित्य निवास करते हैं और ऐसे भक्तों के माध्यम से वो चलते हैं। वो भक्त जिसको भगवान को लेकर जहाँ जिसके हृदय में स्थापित कर देते हैं भगवान वहां जाकर स्थापित हो जाते हैं। इसलिए कहते ना तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे ना मम वैष्णव परा ऐसे वैष्णव होने पर गोविंद उस हृदय में जाकर विश्राम करेंगे विश्राम अर्थात सो नहीं जाएंगे वहां पर विशेष रूप में लीलाएं करेंगे रमण करेंगे और वो वैष्णव भगवान को प्राण से भी प्रिय हो जाता है। जैसे पूज्यपाद श्री महाराज जी कहते थे कि ऐसे शुद्ध भक्तों जो भगवान के पाद पद्म सदृश उनको स्मरण करने पर क्या होगा अभिस्मृति कृष्ण पदार विंदयो
घिनोति अभद्राणी च समतनोति, समस्त प्रकार के हृदय के अभद्रताएं नष्ट हो जाते हैं। हृदय में अभद्रताएं क्या हैं? जागतिक जो वासना कामनाएं हैं, और साधकों के हृदय में अभद्रताएं क्या हैं? हमने तो सब घर बार छोड़ करके आ गए, साधारण अर्थ में दिखता है हमारे अंदर कुछ है नहीं, परंतु अंतर हृदय में भौतिक धन संपत्ति के लालसा न होने पर भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा की ये जो आशा, ये अत्यंत सहज से हृदय से दूर नहीं होता, अत्यंत सूक्ष्म रूप में हृदय के किसी कोने में ये छिपा हुआ रहता है, और उपयुक्त समय आने पर ये अपना स्वरूप को प्रकाश करता है। इसलिए साधकों के लिए ये जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा की ये जो कामना है, इसको छोड़ना सबसे बड़ा कठिन साधन है। जिन्होंने इसको छोड़ा वही वैष्णव पदवी को प्राप्त किया। पोपा जी कहते हैं ना, कनक कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी छाड़ी अच्छी जा रे, सही तो वैष्णव, सही अनाशक्त, सही शुद्ध भक्त संसार तथा पाए। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी आदि कदम इनमें इसी विषय को कहते हैं कि और सारे अनर्थों को छोड़ना सहज है, परंतु प्रतिष्ठा रूपी जो अनर्थ है उसको छोड़ना इतना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में से ही इस विषय को सुन करके, समझ करके, जान करके हृदय से इसको निकाल देना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा हमने इसमें ढील दे दी तो ये एक साल चुके सारा जीवन मठवास करने पर भी ये वासना दूर नहीं होगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इस अनर्थ से बच करके भगवान से, गुरु वैष्णव से बार बार काकुति विनती प्रार्थना करके इससे बचना होगा। गुरु वैष्णव की कृपा प्रार्थना करना होगा, हे प्रभु, हे गुरुपाद पद्म, हे वैष्णव, मेरे हृदय में ये वासना जैसे ना आए। और जब तक ये रहेगा तब तक कृष्ण भक्ति बहुत दूर, ये वैष्णव की जीवन चरित्र के समय ये विचारणीय विषय है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी लिखते हैं, अर्थिर संचय विषय प्रयासे आन कथा प्रजल्पने, नियम आग्रह आन अधिकार नियम असत संग संगठने, अस्थिर सिद्धांत रहिल पड़िया हरि भक्ति रहिलु दूरे, ये हृदय मात्र परहिंसा मद प्रतिष्ठा सटता स्फुरे, ये सब आग्रह छाड़ीते नारीनो आपन दूषिते मरी, जन्म विफल हईल अमार एखनो की करी हरि, आमी तो पतित पतित पावन तुमार पवित्र नाम से संबंध धरी तुमार चरणे शरण लेनो, ये हृदय मात्र परहिंसा मद प्रतिष्ठा सटता स्फुरे, ये हमारे साधकों के स्थिति है। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र को आलोचना करके उनके चरणों में ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हे गुरुपाद पद्म, हे वैष्णव श्रेष्ठ, आपकी चरणों में ये विनती है कि आपके हृदय में जैसे ये समस्त कामना वासना का गंध तक नहीं था, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी ये गंध ना प्रवेश करें। ये हृदय की अभद्रताएं हैं। खिणोति अभद्राणी च सम तनोति, सम अर्थात मंगल। मंगल क्या है? साधारण में अर्थ मिलना, बहुत धन की प्राप्ति, किसने ज्यादा डोनेशन दे दिया, आह हमारा मंगल हो गया, ये मंगल नहीं है। अर्थ की और बहुत सारे फॉलोअर्स मिल गए, ये मंगल नहीं है। बहुत सारी प्रतिष्ठा मिल गया, बहुत सुंदर कथा की आप तालीम पूरा बज गया, आपने बहुत अच्छी कथा की, ये भी मंगल नहीं। मंगल क्या है? परमार्थ। भगवान के चरणों में हमारे कितने रति उत्पन्न हुआ, भगवान के नाम उच्चारण करते समय हृदय कितना द्रवित हुआ,
अपना अयोग्यता हमको कितना बोध हुआ, ये मंगल है। बाहिक रूप में ये सारी चीज अच्छे लगते हैं, परंतु आंतरिक रूप में वास्तव क्षेत्र में मंगल तो वो है। जब हम हरि नाम करते हैं तो हम हरि नाम करते समय हृदय कितना कोमल होता है, कितना द्रवित होता है, हृदय से ये सारे वासना कितने दूर होते हैं, ये लखितव्य है। उसी हिसाब से हमारा पहचान हो मंगल कितना हमको प्राप्त हुआ। गुरु वैष्णव हम जैसे प्रार्थना करते हैं उसी अनुरूप हमको प्राप्त होता है। वो तो वांछा कल्प धरु है, यद्यपि वो हमारे अकल्या नहीं चाहते, परंतु हम जब बार बार उस विषय को हम इंसिस्ट करते हैं, बार बार उसको कामना करते हैं, तो वैष्णव उसको छोड़ देते हैं, दे देते हैं, लेकर जा बेटा। इसलिए भगवान के चरणों में, गुरु वैष्णव के चरणों में हमको वो मंगल प्रार्थना करनी है कि कैसे हमको शुद्ध भक्ति मिले, अन्य अभिलाषिता रहित भक्ति मिले। तो पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में, उनके जीवन में ये समस्त दिखता था बाल्यकाल से, और फिर साधु संघ में आकर जब उनको अभद्रताएं हृदय से दूर हो गया, अर्थात सांसारिक भौतिक विषयों के प्रति जो आसक्ति और भगवान के प्रति अनुरक्त, ये मंगल है। और ज्ञानम च विज्ञान सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम, सत्व शुद्धि अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण में अर्थात जीव कृष्ण दास हैं, कृष्ण दासत्व उसके अंतःकरण की नित्य वृत्ति है, और उसमें प्रतिष्ठित होना ही सत्व की शुद्धि है। और सत्व शुद्धि होने पर उसका आत्मस्वरूप और स्वरूपानुबंधी भगवान के प्रति जो भक्ति व प्रीति स्वाभाविक रूप में उदित होता है, भगवान के प्रति वो सेवाजुक्त हो जाता है, भक्तिजुक्त हो जाता है, और भक्ति के साथ साथ ज्ञानम च विज्ञान विरागजुक्तम, अर्थात ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान अर्थात अनुभव युक्त ज्ञान और विराग वैराग्य के साथ, ये समस्त ज्ञान वैराग्य और भक्ति उसमें स्वाभाविक रूप में उदित हो जाता है। और पूज्यपाद महाराज जी ऐसे शुद्ध भक्तों के संग से मठ में आकर के धीरे धीरे मठवासियों के स्वभाव देख करके उनको बड़ा अच्छा लगता था, और उन्हीं के परिचय में एक प्रभुपाद जी के कोई आश्रित भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज के कोई आश्रित व्यक्ति उनको बार बार उनको उत्साहित करते थे कि आप हरिनाम ले लो, आप हरिनाम ले लो। सामने एक एकादशी का दिन आया था, एकादशी के दिन साधारणतः पूज्यपाद भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी मंत्र देते थे, दीक्षा मंत्र। तो एक दिन जब उन्होंने समय समय में आते रहते थे मठ में, और शुद्ध भक्तों के संग से उनको आनंद मिलता था, और वो देखते थे कि किस प्रकार भक्त लोग हरिनाम कर रहे हैं और ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कितने आनंद पूर्वक भगवान की सेवा में युक्त हैं, इसको देख करके धीरे धीरे उनके मन में और भक्त बनने की इच्छा भी थोड़ा जागृत हो रहा था। परंतु अब तक पूर्व जो संस्कार वो दूर नहीं हुआ था, तो किसी एक उनके भक्ति माधव गोस्वामी महाराज के गुरु भाई उनको मंत्र दीक्षा लेने के लिए जब उनको उत्साहित किया, तो एकादश के दिन जब महाराज मंत्र दीक्षा दे रहे थे, तो इन्होंने उनको लेकर उनके पास पहुंचा, महाराज के पास। तो ये महाराज को स्पष्ट रूप में बोल दिए भक्ति माधव गोस्वामी कि मेरा अभी मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा नहीं है, और ये मुझे बार बार उत्साहित कर रहे हैं हरि नाम लेने के लिए। तो भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज जी बोले कि देखो, किसी के कहने पर हरि नाम नहीं लेना, जब तुम खुद अनुभव करोगे तुम्हें हरि नाम की आवश्यकता है तब हरि नाम लेना। और वास्तव में किसी के कहने पर हरि नाम, ये वास्तव हरि नाम, जब जीव अपने स्वाभाविक
हृदय में इसको अनुभव करता है, हाँ वास्तव में मुझे कुछ हाँ अब। और ऐसा ही हुआ, महाराज जी को बहुत अच्छा लगा भक्ति माधव गोस्वामी वाणी को सुन करके। और तब से क्या हुआ, तब आकर जब छत में देख रहे हैं कि सभी प्रसाद के बाद हरिनाम कर रहे हैं, तो उनके मन में ही धीरे धीरे लोभ उत्पन्न हुआ कि हाँ अगर मेरा भी हरिनाम होता मैं भी इनके तरह हरिनाम करता। तो फिर ऐसे कुछ दिन के बाद जब उनके लोभ इस प्रकार धीरे धीरे प्रगाढ़ होता गया साधु संघ में, और विशेष करके प्रभुपाद जी के गणों के मुखबिक हरि कथा को सुन करके, वो उनको ये अनुभव हुआ कि हाँ किस प्रकार हमको हरिनाम लेना है, तब जाकर उन्होंने महाराज जी से हरिनाम मंत्र दीक्षा आदि को प्राप्त किया। और महाराज जी ने उनको मंत्र दीक्षा दे करके, जब महाराज जी मंत्र दीक्षा देते थे सभी को कुछ ना कुछ उपदेश देते थे, उनके पास एक लिखित ये होता था चार्ट होता था कि आज से मंत्र दीक्षा लिया ये सब कार्य नहीं करना, ये सब कार्य करना, जो विधि निषेध मूलक जो उपदेश सभी को एक एक कॉपी दिया जाता था। और महाराज जी कुछ ऐसे भी उनको उपदेश भी देते थे, निर्देश आदेश आदि देते थे। तो मुझे बाद इनका जब नंबर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के, तो उनको मंत्र दीक्षा देने के बाद महाराज ने कुछ उपदेश नहीं दिया। तो महाराज ने पूछा आप सभी को कुछ ना कुछ आपने उपदेश दिया तो हमें क्यों नहीं दिया, क्या हम इसके लायक नहीं हैं? तो महाराज हंसते हुए बोले कि नहीं, तुम्हारे अंदर सब कुछ योग्यता है, तुम्हें कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं। अर्थात ब्राह्मणोचित सभी प्रकार के जो संस्कार उनमें हैं, ब्राह्मणोचित जो योग्यता है वैष्णवों के लिए योग्यता उनमें, और एक सदगुरु ही देख सकता है कि इसके अंदर क्या योग्यता है, किसके अंदर क्या कमियां हैं। शुद्ध भक्त ये देखने मात्र से किसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या योग्यता अयोग्यता है उसको जान करके उसी अनुरूप उनको प्रेरित करते हैं। तो तब से महाराज जी को दीक्षा के बाद क्या होता है कि भिक्षा करना पड़ता है, परंतु महाराज जी ने बोले मुझे भिक्षा करना नहीं, मठ में रहकर तो कुछ सेवा करना होगा। तो ये बोले मैं भिक्षा सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो ब्राह्मण का अभिमान था, यदि ये उनका स्वरूपगत नहीं है, कुछ नैमित्तिक रूप में ब्राह्मण कुल में आने के कारण ये उनके जो परिवार सेवा उनके ब्राह्मण कुल से जिन ये जो ब्राह्मण उचित संस्कार मिला था उसी संस्कार के अनुरूप उन्होंने बोला कि मैं भिक्षा की सेवा नहीं कर सकता। तो भक्ति के दमादव गोस्वामी महाराज ने उनको बोले कि ठीक है तुम भिक्षा की सेवा नहीं करना, और जो कुछ सेवा है करना मठ में, बहुत सारी सेवा है। तो फिर महाराज जी ने उनको अपने पत्र आदि को लिखने की सेवा दी। उस समय तो आज की तरह बहुत सारी व्यवस्था नहीं थी, पत्र हाथ में लिख करके किसको भेजना पड़ता था। तो महाराज जी ने उच्च शिक्षित थे और भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी बोलते थे और उनको पत्र के रूप में लिख करके हाँ भेजते थे, ये सेवा उनको मिली। और इस सेवा के माध्यम से धीरे धीरे उनके और गुरु वही होते हैं जो शिष्य को शासन के माध्यम से उपयुक्त शिक्षा प्रदान करते हैं, शिष्य के द्वारा अनुबंधित नहीं होते। शासन करने पर शिष्य छोड़ करके मुझे चला जाएगा इसलिए शासन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जो उपयुक्त शिक्षा है उसको सिखाना ही सदगुरु का लक्षण है और कार्य भी है। शिष्य के द्वारा अनुबंधित होना ये सदगुरु का लक्षण नहीं है, शिष्य की मुखोपेक्षा होना उचित नहीं है, क्योंकि शिष्य शासन के योग्य हैं और गुरु शासन करने के योग्य हैं। और पूज्यपादी महाराज जी अपने गुरु जी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को उन्होंने प्राप्त किया, और उनका ये संस्कार था ब्राह्मण कुल में आते थे इसलिए मठ में जब प्रसाद परिवेशन होता था वो क्या करते थे, अलग से बैठते थे, धाड़ी में नहीं बैठते थे वैष्णवों के संगत में। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और वैष्णव है उनके हाथ से ही वो प्रसाद लेते थे, कोई दूसरे वर्ण से आया और परिवेशन कर रहा है तो उसके हाथ से नहीं लेते थे, और एक बार ही लेते थे दोबारा नहीं। और प्रसाद के समय अगर किसी ने उनको नाम लेकर के बुला दिया फिर वो प्रसाद वहीं पर छोड़ देते थे और पाते नहीं थे, तथा इतना उनका दृढ़ ब्राह्मणीय संस्कार था। परंतु महाराज जी के संग से उनके
प्रभाव से विभिन्न प्रकार की घटनाओं के माध्यम से धीरे धीरे ये संस्कार अभी दूरीभूत हुआ। ब्राह्मणों के पंगत में ना, भक्तों के पंगत में ना बैठ करके फिर अलग से, इसलिए भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने ऐसे ही जो ब्राह्मण कुल में जन्म हो करके वैष्णव बनाए उनको ही बोलते थे तुम उनको परिवेशन करो, और अलग से बैठते थे घर के अंदर, और परिक्रमा के समय भी इसी प्रकार, जब ब्रजमंडल परिक्रमा हो, नवदीप धाम परिक्रमा हो, इसी प्रकार और किसी एक स्थान पर एक तेली के घर में उनको प्रसाद की व्यवस्था किया गया, और सारे वैष्णव लोग वहां पर प्रसाद पा रहे हैं, परंतु इन्होंने प्रसाद न पा करके परिवेशन कर रहे हैं। तो उनके गुरुजी इनकी बातों को, हृदय को जानते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। अर्थात उस समय तेली के घर में कुछ पानी तक ग्रहण करना ये ब्राह्मणों के लिए जो अत्यंत निष्ठा संपन्न ब्राह्मणों के लिए ये संभव नहीं था, तो इनके हृदय में ये था। परंतु उस समय पूज्यपाद श्री भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज ने एक भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन पद को सुनाया कि सोपचत गृह ते मागिया खाइव पीव शरत ऋतु जल पुलिने पुलिने गड़ागड़ी दिव करी कृष्ण कोलाहल। तो इस कीर्तन को सुन करके पूज्यपाद श्री महाराज जी समझ गए कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, कि सुपच चंडाल होने पर भी उसके घर में जाकर मैं मांग करके खाऊंगा, क्योंकि वो धामवासी वैष्णव है। सुपच भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखा है। तब उन्होंने गुरुजी की इन बातों को सुन करके समझ गए, और कोई समझे ना समझे महाराज समझ गए, उसी गुरुजी की बातों रख एक कर्ण दाना को लेकर के मुंह में डाल दिया, और धीरे धीरे उसी प्रकार विभिन्न परिस्थिति के माध्यम से उनका ये जो ब्राह्मण चित्त संस्कार था पूर्व जन्मगत संस्कार, बहुत धीरे धीरे दूर होता गया। फिर उन्होंने वैष्णवों के संग में बैठ करके और पंगत में, और ये सारे जो विचार, यद्यपि उनका नित्य नहीं था के रूप में उनका भक्तगत स्वभाव था, परंतु ये लौकिक शिक्षा के लिए, हम सभी साधकों के लिए शिक्षा के लिए ये उनकी लीलाएं हैं, ताकि हमारे अंदर में भी ऐसी कोई भावना ना हो मैं ब्राह्मण कुल से आया हूँ और ये सभी नीच कुल से आए हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, इनके हाथ से मैं नहीं खाऊंगा, ये भावना नहीं। हमारे हृदय में से ये सारे भावनाओं को दूर करने के लिए ये महाराज जी की ये सारे लीलाएं हैं, वैष्णव के चरित्र से हमको ये शिक्षाएं हमको प्राप्त, हमारे कल्याण के लिए वो ये सारे लीलाएं करते हैं। इसमें उनका अपना जो स्वरूपगत ये उनका व्यवहार नहीं, ये हमारे शिक्षा के लिए ये उनका व्यवहार है। तो इस प्रकार पूज्यपाद श्री महाराज के जीवन में बहुत सारे शिक्षाएं हैं, उनके हर आचरण हर वाणी शिक्षा मूलक है, उनका चरित्र संपूर्ण शिक्षा से भरा हुआ है, और सौभाग्यवान व्यक्ति, शरणागत व्यक्ति, निष्कपट व्यक्ति ही वैष्णवों के कृपा प्राप्त करते हैं, उनके सानिध्य लाभ करते हैं। आज समय अधिक हो चुका है, ठाकुर जी को अब शयन दिया जाएगा, इसलिए महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करते हुए उनके अहित की कृपा प्रार्थना करते हैं, करता हूँ कि मेरे हृदय में भी जो सारे अभद्रताएँ हैं, जो सारी कमियाँ हैं, अनर्थ हैं, आपकी कृपा से ये समय दूर हो जाए, शुद्ध वैष्णव के चरणों में रति उत्पन्न हो जाए, शुद्ध नाम में रति उत्पन्न हो जाए, और मेरा जीवन सफल हो, यही कृपा प्रार्थना करके कथा को विराम देता हूँ। जय श्री भक्ति विज्ञान भारती को स्वयं महाराज की जय, जय सुभाव तिथि की जय, तिथि पालन करे समस्त भक्त वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, मुझे पास श्री भक्ति सिर श्रीधर को स्वयं महाराज की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे।
Yeah.